गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू मैट्रिक स्टडी चैनल। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम मैट्रिक एग्ज़ाम 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर 5-4 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर के विषय में। दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें राय अपनी ज़रूर दें। दोस्तों आइए हम अपने समय को बचाते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है दोस्तों, विराल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डैश क्या होती है? ए नंबर में दोस्तों कम होती है, बी नंबर अधिक होती है, सी नंबर बराबर होती है और डी नंबर सभी कथन गलत है। आंसर दोस्तों बी नंबर अधिक होती है। अगला प्रश्न है, आवर्धन तल का ऋणात्मक मान बताता है कि क्या बताता है? ए नंबर में है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, बी वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, सी वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है और डी नंबर वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ए नंबर में है समतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर अवतल दर्पण और डी नंबर इनमें सभी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है डैश, डैश में क्या होगा? ए नंबर में समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बी नंबर अवतल और उत्तल दर्पण, सी नंबर समतल और अवतल दर्पण, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है डैश। ए नंबर अवतल दर्पण, बी नंबर उत्तल दर्पण, सी नंबर समतल दर्पण, डी नंबर ए बी दोनों सही है। सही आंसर दोस्तों डी नंबर ए एवं बी दोनों सही है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है डैश। ए नंबर में है 15 सेंटीमीटर, बी नंबर 20 सेंटीमीटर, सी नंबर 12 सेंटीमीटर, डी नंबर सभी। सही आंसर दोस्तों डी नंबर सभी। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई बिंब रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? ए नंबर वास्तविक उल्टा छोटा, बी नंबर वास्तविक कोमा उल्टा बड़ा, सी नंबर आभासी उल्टा बड़ा और डी नंबर आभासी सीधा बड़ा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर वास्तविक उल्टा छोटा। अगला प्रश्न है, हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? अधिक दूर, बी नंबर कम दूर, सी नंबर समान दूरी पर दिखता है और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अधिक दूर। अगला प्रश्न है, कई लेंसों के संयोजन से बना एकल लेंस की उपयोगिता है। ए नंबर चश्मे की लेंस में, बी नंबर सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में, सी नंबर सभी प्रकार के लेंसों में, डी नंबर सभी कथन सत्य है। सही आंसर दोस्तों बी नंबर सूक्ष्मदर्शियों के लेंस में। अगला प्रश्न है, किसी एफ यानी फोकस दूरी की लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है, पी होती है डैश, इसमें क्या होगा? ए नंबर में है 1/f, बी नंबर सिर्फ एफ फोकस, सी नंबर 1/p और डी नंबर पी। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 1/f यानी एक फोकस। अगला प्रश्न है, डाइऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी डैश, डैश में क्या होगा? ए नंबर 1 सेंटीमीटर है, बी नंबर 2 मीटर है, सी नंबर 2 सेंटीमीटर है, डी नंबर 1 मीटर है। सही आंसर दोस्तों डी नंबर 1 मीटर यानी 1 मीटर है। अगला प्रश्न है, डी अवतल लेंस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए नंबर अपसारी लेंस, बी नंबर अभिसारी लेंस, सी नंबर दोनों प्रकार का लेंस और डी नंबर सभी कथन सत्य है। सही आंसर दोस्तों ए नंबर अपसारी लेंस। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? ए नंबर लकड़ी, बी नंबर शीशा, सी नंबर लोहा, डी नंबर तांबा। सही आंसर दोस्तों बी नंबर शीशा। अगला प्रश्न है,
उत्तल लेंस की क्षमता होती है डैश में क्या होगा, ए नंबर घनात्मक, बी नंबर ऋणात्मक, सी नंबर शून्य, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर उसको ए नंबर घनात्मक धनात्मक। अगला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता डैश 5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी डैश में क्या होगी, -10 सेंटीमीटर, बी नंबर -20 सेंटीमीटर, सी नंबर 100 सेंटीमीटर, डी नंबर 200 सेंटीमीटर। सही आंसर दोस्तों बी नंबर -20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है डैश में क्या होगा, ए नंबर काल्पनिक और सीधा, बी नंबर काल्पनिक और उल्टा, सी नंबर वास्तविक और उल्टा, और डी नंबर वास्तविक और सीधा। सही आंसर दोस्तों ए नंबर काल्पनिक और सीधा। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी डैश में, ए नंबर में है +5 डायोप्टर, बी नंबर +0.5 डायोप्टर, सी नंबर -5 डायोप्टर, डी नंबर -0.5 डायोप्टर। सेंसर दोस्तों ए नंबर +5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डैश में क्या होगा, ए नंबर मीटर, बी नंबर मीटर ब्रैकेट में मीटर टू, और सी नंबर डायोप्टर, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों सी नंबर डायोप्टर। अगला प्रश्न है, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में डैश, ए नंबर कम होती है, बी नंबर अधिक होती है, सी नंबर बराबर होती है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सेंसर दोस्तों ए नंबर कम होती है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है डैश में क्या होगा, ए नंबर फोकस तथा लेंस के बीच, बी नंबर फोकस पर, सी नंबर फोकस की दुगुनी दूरी पर, सी नंबर फोकस और अनंत के बीच। सही आंसर दोस्तों बी नंबर फोकस पर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है डैश, ए नंबर फोकस पर, बी नंबर अनंत पर, सी नंबर फोकसांतर से कम दूरी पर, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों सी नंबर फोकसांतर से कम दूरी पर। अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है डैश में क्या होगा, डैश में होगा ए नंबर +50 सेंटीमीटर, बी नंबर -50 सेंटीमीटर, सी नंबर +20 सेंटीमीटर, और डी नंबर -20 सेंटीमीटर। सही आंसर दोस्तों ए नंबर +50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस वास्तविक वस्तु का क्या बनता है, हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बी नंबर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सी नंबर आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और डी नंबर हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सही आंसर दोस्तों बी नंबर हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है, जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है डैश, ए नंबर अभिसारी, बी नंबर अपसारी, सी नंबर एक तरफ से प्रकाश डालने पर अभिसारी और दूसरी तरफ से प्रकाश डालने पर अपसारी, डी नंबर समतलो उत्तर लेंस। सेंसर दोस्तों डी नंबर समतलो उत्तर लेंस। अगला प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, ए नंबर 2 प्रकार, बी नंबर 3 प्रकार, सी नंबर 1 प्रकार, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर 2 प्रकार के। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी डैश में, ए नंबर में है 40 सेंटीमीटर, बी नंबर 30 सेंटीमीटर, सी नंबर 20 सेंटीमीटर, और डी नंबर 10 सेंटीमीटर। सही आंसर दोस्तों सी नंबर 20 सेंटीमीटर। तो ये था दोस्तों मैट्रिक एग्ज़ाम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।